हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 47 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो ऑफ मॉक टेस्ट नंबर 47 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के इंडिविजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाकर इंडिविजुअल डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। और एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 47 और 1 to 40 सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री पे, देन आएंगे फिजिक्स पे। सारे टाइम स्टाम्प भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। आप जो पहले देखना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टाम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बायो बायो से हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है टेट्रा डायनामस कंडीशन आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ विच फैमिली। आंसर हमारा होगा डी, ब्रैसिकेसी। इसका एक्सप्लेनेशन है टेट्रा डायनामस मीन्स 6 स्टामेंस 2 + 4 इन विच फिलामेंट्स ऑफ 2 आउटर स्टामेंस आर स्मॉलर वाइल 4 इनर स्टामेंस फिलामेंट आर लॉन्गर। दिस कंडीशन इज कॉमनली सीन इन ब्रैसिका और द क्रूसीफर फैमिली। ओके, आते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहाँ कर रहा है गैस्ट्रीन एंड सिक्रेटिन आर क्लासिफाइड एज। आंसर हमारा ये होगा पेप्टाइड हार्मोन। ओके, जो मैक्सिमम जो हार्मोन होते हैं पेप्टाइड नेचर होते हैं। गैस्ट्रीन एंड सिक्रेटिन आर पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्रीन इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकोशा ऑफ द पाइलोरिक स्टोमैक। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट्स द क्राइन सेल्स ऑफ द स्टोमैक टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजिन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूओडेनल एपिथेलियम आफ्टर द एंट्री ऑफ द एसिडिक काइम। इट इनहांसेस द रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिगर्स द सेक्रेशन ऑफ बाइल एंड इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अगर वीडियो का जो क्वालिटी है आपको अगर ब्लड दिख रहा है या फिर छोटा दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो डर एप्लीकेशन क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको क्वालिटी हो जो अच्छी मिल जाएगी वीडियो की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहां पे थर्ड कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो कॉलम वन है यहां पे वेक्सिलरी पेटल्स, पेरियंथ, फॉस पेटल सेप्टम, परसिस्टेंट सेपल्स। यहां पे आंसर हमारा ये होगा वन का ए, यानी कि वेक्सिलरी पेटल्स जो होंगे वो पी फैबेसी फैमिली में देखा जाता है। सेकेंड का है पेरियंथ जो है बी, यानी लिली लिलियसी फैमिली में है। फॉस सेप्टम जो है हमारा वो होगा डी, यानी कि मस्टर्ड ब्रैसिकेसी में देखा गया है। और परसिस्टेंट सेपस जो है वो सी, मतलब कि टोमेटो यानी सोलनेसी में देखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इन वेक्सिलरी स्टिवेशन द 5 पेटल्स आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मैनर एंड आर ऑब्जर्व इन फेवेसी। पेरियंथ इज ऑल्सो कॉल्ड टेपल। द फ्यूज्ड सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड एज पेरियंथ एंड आर ऑब्जर्व्ड इन लिलियसी। फॉस सेप्टम ऑल्सो कॉल्ड रेपलम विच डिवाइड्स द यूनिलोकुलर ओवरी इंटू बाइलोकुलर एंड बाइलोकुलर ओवरी इंटू टेट्रालोकुलर ओवरी इज ऑब्जर्व्ड इन मस्टर्ड प्लांट। पर्सिस्टेंट सेपल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द सोलनेसी फैमिली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे। यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑन विच प्रोजेस्टेरोन एक्ट्स। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दी, यानी यूट्रस, मेमरी ग्लैंड और सर्विक्स, तीनों पे जो है वो प्रोजेस्टेरोन एक्ट करता है। द प्राइमरी एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज टू रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द यूट्रस। इट ऑल्सो कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ मेमरी स्टेम सेल्स इन द ब्रेस्ट। इट शॉर्टेंस द सर्विस एंड देयर बाय अवॉइड्स प्री मैच्योर बर्थ। आते क्वेश्चन फिफ्थ यहाँ पे कह रहा है मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लीफ स्पाइंस एंड स्टेम थॉर्न्स इज ऑब्जर्व्ड इन। ऐसा हमारा सी होगा कैक्टाई एंड सिट्रस। ओके, आते फटाफट देखते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है ऑब्जर्व फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी है, बी है सोइंग हाइपोगाइनस सुपेरियर ओवरी जो है यहाँ पे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन्स ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। आंसर ए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 8 अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर वाज गिवन बाय। आंसर सी बैंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 9 एनाल्डिहाइड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली ऑफ विटामिन ए फाउंड इन द आई आर। आंसर बी रेटिनल एंड ऑप्शिन। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द गिवन प्लांट्स हाउ मेनी आर
ट्रेडोफाइट्स, लजिनेला, ड्राइप्टेरिस, एरियंटम, पाइनस, सेल्विनिया, गिंको, मर्केंसिया, साइकस, आंसर हमारा डी होगा, जिसमें जो चार है और ट्रेडोफाइट्स हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी सारे कोई जिम्नोस्पर्म है कोई ट्रायोफाइट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग वीडियो डिटेल्स देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्यू क्विजन के है, इसलिए फटाफट निकल रहे हैं आंसर देखकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द एफरेंट रीनल एट्रियोल इज डिक्रीज एंड दैट ऑफ द इफरेंट रीनल एट्रियोल इज इंक्रीज, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल, आंसर हमारा बी होगा, बी स्लोवर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, आंसर हमारा ए होगा, HbO2 होल 4। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिटियम इज मेनली कॉज्ड बाय, आंसर हमारा ए होगा, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। क्वेश्चन नंबर 14 का है, न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन, आंसर बी, बोथ इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड इज रिप्रेजेंट इज सेपरेटेड बाय, आंसर हमारा सी होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 पे, कह रहा है, आई जे एल एंड वी शेप्ड क्रोमोजोम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो आई जो होता है टेलोसेंट्रिक, जे होता है एक्रोसेंट्रिक, सब सेंट्रिक होता है हमारा आई एल शेप्ड, और जो मेटासेंट्रिक होते हैं वो वी शेप्ड होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इज, आंसर हमारा बी होगा, कैपिलरीज ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 18, कैटलाइज एंजाइम ऑफ पेरोक्सीजोम डिग्रेड्स, आंसर हमारा बी होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द एक्वेटिक फर्न अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, आंसर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मोलस्का, मस्कीडा, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड ऑर्थोपोडा सिलेक्टेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, आंसर हमारा डी होगा, हाउस फ्लाई के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टामेंस, ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, बी है इट जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, सी है यहाँ पे मियोसिस डज नॉट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी यहाँ पे होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर हमारा होगा ए एंड बी, जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है, टू कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज, आंसर हमारा डी होगा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 23, द पोर ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड, आंसर हमारा ये होगा, ब्लास्टोपोर। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिप्सिन, इंसुलिन एंड मॉर्फिन आर रिस्पेक्टिवली, आंसर सी, एंड एंजाइम हार्मोन एंड अल्कलॉइड। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, आंसर डी, ओसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ ए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से तो ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सुगर्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो कैनॉट बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड, आंसर हमारा बी होगा, लिमुलस। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर हमारा बी होगा, एन एडेनिन न्यूक्लिक एसिड विथ राइबोज एंड मोनोफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पेयर ऑफ क्वाइकिलोथर्म्स, आंसर बी, ट्राइगोन एंड पैंथेरा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द एग ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन 16 क्रोमोजोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायड्स इन एनाफेज फर्स्ट, आंसर सी, 32। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन कार्डियक मसल सेल रिसीव्स सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ड्यू टू, आंसर बी, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 32, इन मियोसिस हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, आंसर बी, टू टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शंस हेल्प इन द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आंसर ए, गैप जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स बिलोंग टू, आंसर ए, हाइपोडर्मिस मेड बाय कोलेनकाइमा, बी, पेरिसाइकल इन पैचेज ऑफ पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, सी, बंडल कैप इज प्रेजेंट, डी, वैस्कुलर बंडल ओपन, आंसर ए होगा हमारा, सनफ्लावर स्टेम डाइकॉट। क्वेश्चन नंबर 35, द बार्क ऑफ अ ट्री इंक्लूड्स, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, पेरीडर्म एंड प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम।
क्वेश्चन नंबर 36, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड इन द थ्योरी ऑफ, आंसर हमारा डी होगा, पैनस्पर्मिया। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दैट प्रोवाइडेड लेवल ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आंसर हमारा डी होगा, बोथ एग एपरेटस एंड एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लोइड। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ फ्लाइंग स्क्वायरल और फ्लाइंग फैलेंजर का, कह रहा है आइडेंटिफाई द फेनोमेना शोन बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, आंसर हमारा ए होगा, पैरेलल इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब्स द फिगर गिवन बिलो, आंसर हमारा डी होगा, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ओके, जो पेपर में होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट, आंसर होगा डी, फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 41, द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज अ, आंसर ए, थिन रिमेनिंग लेयर ऑफ न्यूसेलस। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, आंसर डी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 43, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आंसर ए होगा हमारा, एन आर एन ए कंटेनिंग वायरल बोर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट रिफरेंस टू द एम्ब्रियो व्हिच ऑफ दीज आर इन करेक्ट, आंसर हमारा बी होगा, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स रिस्पेक्टिव रोल, आंसर सी होगा, मैक्रोफेज म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स दैट ट्रैप माइक्रोब इंटरिंग इन द बॉडी, ये हमारा नॉट करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे आते हैं 46 पे, कह रहा है द एबिलिटी ऑफ प्लान टू फॉलो अ डिफरेंट पाथवे एंड रिप्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज नोन एज, आंसर डी, प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग माल्ट, आंसर हमारा डी होगा, द माल्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंजाइम्स एंड म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 48, सूट बर्ड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर इज प्रोमोटेड बाई, आंसर हमारा सी होगा, लो ऑक्सीजन हाई साइटोकाइनी। क्वेश्चन नंबर 49, द क्लीवेज ऑफ जाइगोट बिगिंस इन, आंसर हमारा ए होगा, एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 50, द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द टू जीन्स इज टर्म्ड एज, ए जो है हमारा होगा लिंकेज, द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 51, द हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द लेट डाउन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट व्हेन द बेबी इज सकिंग इज, आंसर हमारा सी होगा, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 52, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हमारा सी होगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, द सेमाइनल फ्लूइड कोगुलेट्स ऑन इजेकुलेशन ड्यू टू, आंसर हमारा सी होगा, कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजेन कंटेंट्स फ्रॉम प्रोस्टेटिक एंड सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 54, नॉर्मल वोमेन हुज फादर हैड हीमोफीलिया मैरिड अ नॉर्मल मैन, व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज इन द प्रोजेनी, क्वेश्चन आंसर हमारा सी 25%। क्वेश्चन नंबर 55, स्टैचुरी बैन हैज बीन इम्पोज ऑन सेक्स इंटरमेशन बिकॉज, आंसर डी, टू चेक फीमेल फिटिसाइड इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 56, हेटरोजाइगस स्टॉल एंड वायलेट फ्लावर गार्डन पी प्लांट वेयर सेल्फ्ड एंड टोटल 1200 प्लांट्स आर कलेक्टेड, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स विद फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट, आंसर सी 225। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिवन बिलो, आंसर इज बी, इट इज सर्जिकल इंटरवेंशन इन वोमेन व्हिच एलिमिनेट्स ऑल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया, आंसर डी, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर एचबीएस एग्जिबिट सिकल सेल ट्रैट। क्वेश्चन नंबर 59, इन प्लांट्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एएनएस एंड मोलिब्डेनम काउज, आंसर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, आंसर बी, बी कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 61, एमओईटी इज मेथड ऑफ, आंसर सी होगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल। क्वेश्चन नंबर 62 का है यहाँ पे, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन ग्रेस इन अपीयरेंस ड्यू टू, आंसर हमारा ए होगा, द लार्ज नंबर ऑफ सेल्ड बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 63, द केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन थ्री स्टेजेज, वन है रिडक्शन ड्यूरिंग व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्मड एट द एक्सपेंस ऑफ द फोटोकेमिकली मेड एटीपी एंड एडीपीएच, सेकंड यहाँ पे है रीजनरेशन ड्यूरिंग व्हिच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबुलोज 1,5-डाइफॉस बायफॉस्फेट इज फॉर्म, थर्ड यहाँ पे कार्बोक्सीनेशन ड्यूरिंग व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस, हमारा ये होगा, सबसे पहले होगा थ्री यानी कार्बोक्सीनेशन, उसके बाद वन यानी कि रिडक्शन,
उसके बाद होगा टू यानी रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 64, मैच करना है कॉलम को यहाँ पे, तो कॉलम को मैच कर लेते हैं। बी आंसर है 1 का C यानी एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो टी डब्ल्यू एंजलमैन ऑन क्लेडोफोरा। 2 का A यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो जूलियस वॉन फैक्स। 3rd का D यानी कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिलीज ऑक्सीजन होगा इसका जैन इंगेज हाउज। और 4 का B यानी कि रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट जो होगा वो जोसेफ प्रिस्टले होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे, व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन इज सीन इन द लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश दैट लाइव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन। आंसर सी बायोकेमिकल एडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 66, इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया फंजाई फर्न्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड अंडर प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर हमारा डी होगा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्लाइम मॉल्ट्स। आंसर ए दे आर सेप्रोफाइटिक बॉडी, प्लाज्मोडियम इज नेकेड विदाउट सेल वॉल एंड स्पोर इज डिस्पर्स्ड बाय एयर। क्वेश्चन नंबर 68, स्मॉल पॉक्स हर्प्स क्राउन गॉल ट्यूमर क्रेटिनिज्म कर्ल्डिंग इन्फ्लुएंजा एड्स मम्स एंड क्लोरोसिस आर वेरियस डिजीज और सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आउट ऑफ द दिज हाउ मेनी बिलोंग्स टू एनिमल एंड प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। आंसर हमारा ये होगा 6 टू एनिमल एंड 3 टू प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 69, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येल्लो मोजैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आंसर सी म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 70, एक्टिवेटेड स्लज इज ए फॉर्म्ड आफ्टर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इन प्राइमरी सेटिंग टैंक। बी बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटिंग आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सी पास्ट इंटू एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। आंसर इज ए ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्लेटर सी काउ ऑफ रशिया एंड पैसेंजर पिजन इज। आंसर ए ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई ह्यूमंस। ओके, इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है अपने चैनल पे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी एक्सटेंशन हैं, डोडो हैं, क्वागा है, स्लिटर सी का है, सारे का हमने बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 पे, क्रायो प्रिजर्वेशन सीड बैंक जीन बैंक एंड वाइल्ड सफारी पार्क्स आर द मेथड्स ऑफ। आंसर ए एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 73, सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट। ए स्पीसी डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द पोस्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिनिमम। कोलंबिया हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। डी डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज ओवर अ लैंडस्केप इज टर्म्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। ये कुछ रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। आंसर हमारा सी होगा, जो बी और डी जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 74, इन इंडिया इको सैंड वॉलेट्स आर फाउंड इन। आंसर हमारा डी होगा, केरला। इससे बेस्ट भी क्वेश्चन हमारे पिछले टेस्ट में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 75 पे, यहाँ पे कह रहा है अलगल ब्लूम काउजेज। ए है फिश मोर्टेलिटी, बी डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, डी कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। आंसर हमारा सी होगा, ए एंड बी, फिश मोर्टेलिटी एंड डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 76 है, रमेश चंद्र डागर फार्मर ऑफ सोनीपत इज एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मर एंड फार्मिंग एंड हैज रिसाइकल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। बी अहमद खान इन बेंगलोर इज एसोसिएटेड विथ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इंटू पॉली ब्लेंड पाउडर यूज टू ले रोड्स। 4 गिवन स्टेटमेंट्स, जो हमारा सी आंसर है, ए एंड बी जो है दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी यानी प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड नेचुरल साइकिल, दोनों जो है नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल पिरामिड, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए है इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। बी है प्रोड्यूसर्स आर जनरली मोर इन नंबर और बायोमास देन हर्बीवोर्स इन एन अपराइट पिरामिड। सी हर्बीवोर्स आर लेस इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर्स इन एन इन्वर्टेड पिरामिड। डी है एनर्जी कंटेंट इज हायर एट लोअर ट्रॉपिक लेवल देन दैट एट हायर ट्रॉपिक लेवल। आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द जो है करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पे, यहाँ पे कह रहा है इन हाइड्रोसियर द स्टेजेस दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द रीड स्वाम्प स्टेज आर रिस्पेक्टिवली। आंसर हमारा सी होगा, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज एंड मार्स मेडो स्टेज। ये जो है क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइड्रोसियर का सारा जो है सीक्वेंस याद रखें। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे है, व्हिच
विच द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आंसर जो हमारा है डी जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, यानी कि जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन कंपटीशन में ए बी जो दोनों जो है निगेटिव है, नेचर जो है वन ऑफ द स्पेसिज बेनिफिट व्हाइल अदर स्पेसिज हार्म्ड, ये गलत है, दोनों हार्म होते हैं कंपटीशन में। ओके क्वेश्चन नंबर 81 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, आंसर हमारा डी होगा कॉन्फॉर्मासो होमोस्टैसिस, ये जो हमारा इनकरेक्ट है। आते क्वेश्चन नंबर 82 पे, यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर हमारा डी होगा डीएनए फिंगरप्रिंट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83, यहाँ कह रहा है इन द सिक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट स्टैंड इज 5-8 AGT GA CGA G3- द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडन ऑफ ऑन टीआरएनए क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा AUG UGA CGAG। क्वेश्चन नंबर 84, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 15 पीचेज इन अ हेलिक्स आर प्रेजेंट, देन द नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इन इट विल बी, आंसर हमारा बी होगा 300। क्वेश्चन नंबर 85, सेलेक्टेबल मार्कर एसोसिएटेड विथ, आंसर ये होगा प्लाज्मिड डीएनए एज वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 86, द सेपरेटेड बॉन्ड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस इज नोन एज, आंसर होगा सी इल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द एनिमल सेल, आंसर हमारा बी होगा माइक्रो इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88, स्टेटमेंट वन यहाँ पे कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GESC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी व्हिच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। स्टेटमेंट टू जो यहाँ पे है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, ऐसा हमारा ये होगा बोथ स्टेटमेंट वन और टू जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे कह रहा है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, ऐसा हमारा सही होगा एंटीजेन एंटीबॉडी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकरेक्ट पेयरिंग, तो आंसर हमारा डी होगा प्राइमरी मैसेंजर कैल्शियम आयन। ओके तो हमारे सारे बायो का क्वेश्चन हो गए 1 to 90, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे कह रहा है हियर एक्स एंड वाई क्या होगा, तो दो अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड है CH3CH OH OH और एक CH2OH OR OH, एक जो है भीक डायोल है और एक जीएम डायोल है, तो आंसर हमारा बी होगा पोजीशन आयोशोमर। ओके क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10^-2 सेकेंड पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, आंसर हमारा ये होगा 138.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन इज 3.6 × 10^-7 OCl − H2O लिक्विड गिव्स HOCl − OH − व्हाट इज Ca4H HOCl, आंसर हमारा ये होगा 2.77 × 10^-8। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे है इन द हॉफमैन ब्रोमाइड ड्यूरेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ एमाइन प्रोड्यूस्ड आर, आंसर हमारा ये होगा 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 देखते हैं, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, आंसर हमारा सी होगा BClC3। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है इफ मोलिटी ऑफ द डायलूट सोल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट Kf विल बी, आंसर हमारा सी होगा अनचेंज्ड, Kf तो कॉन्स्टेंट होता कैसे चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा सबसे ज्यादा 4, ओके तब होगा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, देन हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट, आंसर हमारा ये होगा इट सबलाइम्स एट 100 °C अंडर वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, आंसर ए मोलेरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी मोल फ्रैक्शन वेट परसेंट और मोलेरिटी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है फोर द कम्प्लेक्स विथ मोलिकुलर फॉर्मूला CrCl3 6H2O 0.1 मोल ऑफ द कम्प्लेक्स व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 गेव 28.7 ग्राम व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मोलर मास इक्वल टू 143.5 ग्राम, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा CrCl H2O 5Cl2 · H2O। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द रिएक्शन इज CH3CHCl CH2CH2OH KOH और H2O के साथ करवा रहा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन,
यहाँ पे KNH2 के साथ करवा रहे हैं, मेटा पे ब्रोमीन है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा, मेटा मेटा पे NH2 आ जाएगा, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हम आते हैं 13 पे। करंट डेंसिटी ऑफ अ गैस इज टू आइस दैट बी एट सेम टेम्परेचर, द मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी विल बी, आंसर हमारा जो है वो सी होगा, 4:1। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स क्या देगा, तो आंसर हमारा बी होगा, एन हेक्सेन देगा, नॉर्मल चेन ऑफ हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, आंसर सी होगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर नेचुरल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाई एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है, द ट्रांस अल्किन आर फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन विथ, आंसर हमारा डी होगा, Na लिक्विड NH3। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.50 liter टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.50 liter, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी, आंसर बी होगा हमारा, -505 जूल। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर ए होगा हमारा, CO2 होल थ्राइस Cl3 3H2O। क्वेश्चन नंबर 19, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर सी, बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज FeCN6 होल 4 - 2 FeCN6 होल 3 - इन एसिडिक मीडियम बट रिड्यूसेस FeCN6 होल 3 - 2 FeCN6 4 - इन अल्कलाइन मीडियम, द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर रिस्पेक्टिवली, आंसर डी होगा, H2 एंड H2O+O2। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर्स करेंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न 27.6 ग्राम ऑफ डाई बोरेन, एटॉमिक वेट जो है वो बी इक्वल टू बोरोन का 10.8 U है, आंसर हमारा डी होगा, 3.2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3+ इज, आंसर हमारा डी होगा, CO(In)HO(In)HO3+ CO(NH3)HO6+ और CO(H2O)HO6+। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी सुटेबल फॉर के जेल्डार्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन, आंसर हमारा होगा सी, एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वाइटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल, आंसर हमारा ए होगा, H2 2-। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द रिएक्शंस एक्स गिव्स ए ए ऑन रिएक्शन गिव्स सिल्वर मिरर ऑब्जर्व्ड देन वाई और जेड, तो यहाँ पे बताना है ए एक्स वाई और जेड क्या होगा, तो ए हमारा जो आंसर है वो बी है, ए हमारा इथेनॉल है, बी इथेनॉल, वाई है ब्यूट टू इनाइल और जेड है वो सेमी कार्बाजोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जरूर याद रखें, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन द इंटरस्टीशियल साइट्स, आंसर हमारा होगा डी, फ्रैंकल डिफेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन फ्रैंकल डिफेक्ट अ स्मॉलर आयन डिस्प्लेसेज फ्रॉम इट्स एक्चुअल लैटिस साइट इनटू द इंटरस्टीशियल साइट्स। क्वेश्चन नंबर 27, एन एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग 0.10 m H2S एंड 0.20 m HCl इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS- फ्रॉम H2S इज 1.0 एंड 10⁻⁷ एंड दैट ऑफ H2- फ्रॉम HS- आयंस इज 1.2 × 10⁻⁰, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H2- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज, आंसर हमारा सी होगा, 3 × 10⁻²। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, यहाँ पे कह रहा है, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन, Ti+2Y2 गिव्स Ti I4 और 1700 केल्विन पर Ti+2Y2 बना रहे हैं, आंसर हमारा सी होगा, वैन आर्कल मेथड। क्वेश्चन नंबर 29, 20 लीटर कंटेनर एट 100 केल्विन कंटेन्स CO2 गैस एट प्रेशर 0.4 atm एंड एक्सेस ऑफ SRO नेगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SRO, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी गिवन दैट SRCO3 गिव्स SRO+CO2 गैस Kp = 1.6 atm।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, यहाँ पे कह रहा है फायर वर्क गेव ब्रिक रेड कलर, इट प्रोबेबली कंटेन्ड असोल्ट ऑफेंस, हमारा ये होगा कैल्सियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, यहाँ पे कह रहा है अबाउट H2SO4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, आंसर हमारा ये होगा इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, यहाँ पे कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन एसिड दैट इंडिकेटेड इन करेक्ट इज, आंसर हमारा ये होगा HF सबसे ज्यादा, उसको HCl HBr देना जाए, ये हमारा गलत है, ये इसका उल्टा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, यहाँ पे कहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके तो NaO Me और MeOH के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, तो हमारा आंसर जो है वो सी आ जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे, यहाँ पे कह रहा है द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन इज, आंसर हमारा ये होगा NH4 होल्ड वाइज SO4। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कह रहा है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड फिलामेंट वाज पास बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस वी इश्यू इफ ई एंड एम आर चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ एच बाई लेमडा वेयर लेमडा इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वेव इज गिवन बाय, आंसर हमारा ये होगा 2 mev अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 36 फोर अ लीनियर प्लॉट ऑफ लॉग एक्स वाई एम वर्सेस लॉग पी इन अ फ्रेंड लुक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, के एंड एन आर कॉन्स्टेंट, ऐसा हमारा डी होगा ओनली 1/n अपीयर्स एज द स्लोप। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स, आंसर हमारा ये होगा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स डस्ट बिन्स ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, आंसर हमारा डी होगा 16 जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए थायोल ग्रुप हो गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 16 और जो मिथियोनिन होते हैं 16 थायल ग्रुप इज पोजेंटिन, ओके तो यहाँ पे 16 होगा, ओके okay? आते क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड रिस्पेक्टिवली यार, तो हमारा आंसर होगा D+3, 0 एंड +6। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, आंसर हमारा सी होगा सीटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट यूज इन हेयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 41 पे, कह रहा है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनोइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू, आंसर हमारा बी होगा 5F6D एंड 7S लेवल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, आंसर हमारा ये होगा CO2 CH4 N2O3। क्वेश्चन नंबर 43 10.30 mg ऑफ O2 इज डिजॉल्व्ड इनटू अ लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर एमएल द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm इज, आंसर हमारा डी होगा 10। क्वेश्चन नंबर 44 यहां पे कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स आयंस इज लोवेस्ट व्हेन अक्वस सॉल्यूशन ऑफ टियर सॉल्ट आर पुट अंडर अ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर हमारा सी होगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 45 यहां पे कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस इज -46 किलो जूल पर मोल, द डेल्टा एच इन किलो जूल ऑफ द रिएक्शन इज, आंसर यहाँ जो रिएक्शन है 2NH3 गिव्स N2 +3H2, आंसर हमारा होगा C 92। ओके तो हमारा यहाँ पे हो गए हैं टोटल 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 1 फिजिक्स पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन सच वे दैट इट ऑसिलेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डीप एंगल इज 30 डिग्री एंड 15 ऑसिलेशन पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डीप एंगल इज 60 डिग्री, रेशियो ऑफ द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेज इज, आंसर हमारा बी होगा 16:9√3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V1 एंड ओनली S1 इज क्लोज्ड, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V2 व्हेन ओनली S2 इज क्लोज्ड एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V3 व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, देन आंसर जो हमारा बी होगा V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर V3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर एंड करेंट ऑफ 440 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट व्हेन अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 500 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विल बी, आंसर हमारा सी होगा 60 ओम। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 4 पे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्वाइल वेरीज विथ टाइम एज φ=5t² + 6t + 9, द रेशियो ऑफ EMF इज t=3 है और 2
टी इक्वल टू 0 सेकेंड विल बी आंसर, हमारा सी होगा 6:1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 5 पे, कह रहा है अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, द वायर रोटेट्स अबाउट इट्स वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बींग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेमी सर्कल इन द स्पेस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी एग्जिस्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन द फिगर, देन आंसर हमारा ए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू 2b ओमेगा ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज 10⁻⁸ कूलम पासेस फ्रॉम टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 600 वोल्ट एंड 0 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट क्यू इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पी इज, आंसर हमारा ये होगा 0.028 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है हाउ मच ए पॉजिटिव चार्ज शुड बी गिवेन टू द अर्थ सो दैट सो एज टू हैव द सेम पोटेंशियल एज दैट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, आंसर हमारा यहाँ बी होगा 640 कूलम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 7 पे, यहाँ पे कह रहा है 8 पे, कह रहा है फिगर शोज अ कंडक्टिंग लूप ए बी सी डी ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, द पार्ट ए बी सी इज द 3/4 द पोर्शन ऑफ द सिक्वेंस ऑफ साइड लेंथ एल, द पार्ट ए डी सी इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, द पॉइंट ए एंड सी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विच सप्लाइज करेंट आई टू द सर्किट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप्स ड्यू टू द फील्ड बी इज, आंसर हमारा होगा सी बी 2BIL। ओके क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 9 पे, कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट एक, आंसर हमारा होगा डी, व्हाइल पासिंग थ्रू अ गिवन प्लेस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी डेफिनेटली सेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पे कह रहा है टोटल ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स फ्राउनहोफर्स लाइंस अपीयर ब्राइट बिकॉज, आंसर हमारा डी होगा, मून ब्लॉक्स द रेडिएशंस इमिटेड बाय फोटोस्फेयर एंड रेडिएशन इमिटेड बाय क्रोमोस्फेयर रीच द अर्थ, सोलर इक्लिप्स हुआ था इसलिए इस पे क्वेश्चन दे रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ पे कह रहा है टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव अंडरगोन अ साइक्लिक प्रोसेस 1 2 3 1, इफ नेट हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस इज -300 जूल देन वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस 2 to 3 इज आर, जो वैल्यू दिया हुआ 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा, नन ऑफ दीज होंगे हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे 2 to 3 जो है -5280 जूल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहा है 70 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम गैस थ्रू द सेम रेंज 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, आंसर हमारा बी होगा 50। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं टू स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर आर स्ट्रेच टू द सेम टेंशन इफ दियर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशियो 1:4 देन द रेस्पेक्टिव वेव वेलोसिटीज विल बी, आंसर हमारा बी होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा था टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी एक्स केल्विन व्हेन इट इज मेजर्ड बाय अ फॉरेनहाइट थर्मोमीटर इट इज फाउंड टू बी एक्स एक्स फॉरेनहाइट द वैल्यू ऑफ द एक्स इज, आंसर हमारा जो है वो होगा 574.25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 15 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आंसर बी इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ बायमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एक्स एंड वाई इट इज माउंटेड रिजिडली एट द बेस एज शोन इन द फिगर, द मेटल एक्स हैज अ हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल वाई व्हेन द बायमेटालिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड बाथ, आंसर बी इट विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 17 द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैव मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, आंसर बी
0.02 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवेन बाय एक्स इक्वल टू 2t प्लस 4t स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 5t, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड इज, आंसर हमारा सी होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेज M1, M2 एंड M3 आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन पुट्स द सिस्टम, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी इफ M1 इक्वल टू 10 केजी, M2 इक्वल टू 6 केजी एंड M3 इक्वल टू 4 केजी, आंसर हमारा बी होगा 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ वेलोसिटी 3i प्लस जे, इट कोलाइड्स विद अ स्मूथ वर्टिकल वॉल विच इज पैरेलल टू द वेक्टर जे, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू 1/2, देन इंपल्स दैट एक्ट्स ऑन द स्फीयर इज, आंसर ए -9/2 mi cap। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनल फोर्स कैन चेंज, आंसर बी द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। 22, थ्री मासेज 2 kg, 3 kg एंड 4 kg आर लाइंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, आंसर बी 5/9 L। क्वेश्चन नंबर 33, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, द मासेस आर हेल्ड एट रेस्ट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड देन रिलीज्ड, द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड ईच, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर बी 2.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ रोटेटिंग डिस्क हैज इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग ऑन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी वेक्टर, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, आंसर हमारा होगा सी tan 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल energy u of a satellite with the distance from the center of earth each, तो यहाँ पे आंसर हमारा c होगा, c का जो डायग्राम है वो सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, यहाँ पे कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स, इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम, आंसर होगा ए 40 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x1 इक्वल टू 4 sin 10t प्लस 5/6 एंड x2 इक्वल टू 5 cos ωt, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, आंसर हमारा जगह डी 8 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 28, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड इन SHM आर 0.8 cm एंड 0.2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, if the initial phase is pi by 2 radian then the equation represented by SHM is, answer a y equal to 0.8 cos 10 pi t. Next question number 29, equal mass of 3 liquids are kept in 3 identical cylindrical vessels A, B and C, their densities are rho A, rho B, rho C, with rho A is less than rho B is less than rho C, the force on the base will be, answer hamara d hoga, equal in all the vessels. Question number 30, in a U-tube, the radii of two columns are respectively R1 and R2. When a liquid of density rho, contact angle theta equal to 0 degree is filled in it, a level difference of H is observed in the two arms. Then the surface tension of the liquid is, answer hamara A hoga, rho GH R1 R2 by 2 into R2 minus R1. Next question number 31. 3 point masses each of mass M and are situated at the three corners of an equilateral triangle of each side L, the moment of inertia of this system about one of the sides of the triangle will be, answer C, 3/4 mL². Question number 32, a particle strikes elastically with another particle with velocity V. After the collision, it moves with half the velocity in the same direction. Find the velocity of the second particle if it is initially at rest, answer A, 3V/2. Question number 33, a 6 watt bulb is placed at a distance of 4 meter from U. The bulb is emitting light of wavelength 600 nanometer uniformly in all directions in 0.1 second. How many photons will enter your eye if the pupil of the eye has a diameter of 2 millimeter? Take AC equal to
1 to 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आंसर विल बी बी 2.84 × 10^11। क्वेश्चन नंबर 34। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी मिटेड बाई द हाइड्रोजन एटम्स। आंसर C3। क्वेश्चन नंबर 35। देर आर टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ए एंड बी। डीके कॉन्स्टेंट ऑफ बी इज 2 times दैट ऑफ ए। इनिशियली बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आफ्टर एन हाफ लाइफ ऑफ ए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बोथ आर इक्वल। द वैल्यू ऑफ एन इज आंसर A1। क्वेश्चन नंबर 36। इफ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ स्टार इज 2.7 × 10^36 जूल पर सेकेंड, द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास इन द स्टार विल बी। आंसर विल बी B3 × 10^19 किलो जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37। इन एन एक्सपेरिमेंट द टंगस्टन कैथोड विच हैज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2300 एंगस्ट्रॉम इज इरेडिएटेड बाई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। आंसर बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 38। अ ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्पलीफायर इन सीबी मोड यानी कॉमन बेस मोड विच विथ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 kΩ। द करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 0.98 एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 70 ओम। द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन रिस्पेक्टिवली आर आंसर A 70 and 68.6। क्वेश्चन नंबर 39। द फिगर गिव्स अ सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ट्रूथ टेबल। इट कैन बी फाउंड दैट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट वन एट आर वी मस्ट हैव। आंसर सी X=1, Y=0। क्वेश्चन नंबर 40। फॉर अ ट्रांजिस्टर वर्किंग एज कॉमन बेस एम्पलीफायर द इमीटर करेंट इज 0.72 mA। द करेंट गेन इज 0.96। द कलेक्टर करेंट इज आंसर हमारा होगा A 0.96 × 0.72 mA। क्वेश्चन नंबर 41। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हैज द ट्रूथ टेबल बिलो पी क्यू आर। यहाँ पर दिया हुआ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द ट्रूथ टेबल। आंसर हमारा सी होगा। सी जो ट्रूथ टेबल है वो सही है इस ट्रूथ टेबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 42। अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंड इन सर्कुलर होरिजन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 cm बिलो द सर्फेस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन सेंटीमीटर। आंसर विल बी 36/√7। क्वेश्चन नंबर 43। एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 cm फ्रॉम द ग्लास सर्फेस with refractive index 1.5, when a point object is placed in the air at a distance of 100 cm from the glass surface, the radius of curvature of the surface is, answer will be A, 20 cm. Question number 44. A slit of width A is illuminated by white light. The first minimum for red light λ = 6500 angstrom will fall at θ = 30 degree when A is, answer will be C, 1.3 micrometer. Question number 45, last question of physics and video. Two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. The smallest distance from S2 on a line passing through S2 and perpendicular to S1 S2 where a minimum intensity occurs is. Answer will be A, 7 lambda by 12. Okay. ये सारे हमारे थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।